तो शूज़ जो मैंने पहन लिया वो बहुत ज़्यादा कॉम्फी है। Our meal is here. मैंने मंगवाया है चिकन टिक्का सैंडविचेस, साथ में है पिज्जा। तो ये रही मेरी स्पेशल बिरयानी। आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मदर्स डे आ रहा है, तो आज की वीडियो मदर्स डे स्पेशल है। लेकिन ये वीडियो मैं एग्जैक्टली मदर्स डे पे स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, दो तीन दिन पहले स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मामा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। हम सब ने मिलकर प्लानिंग की थी कि हम सब बहन भाइयों ने मिलकर के प्लानिंग की है कि मामा को सरप्राइज करते हैं, मामा के लिए गिफ्ट वगैरह लेते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ जी शॉपिंग करने के लिए। तो अब देखते हैं, इन्होंने मुझे बता तो दिया कि इस तरह से करना है, तो अब चलते हैं देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ, क्या मुझे कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी है, साथ में मामा की शॉपिंग भी कर लूंगी। तो अब तैयार होती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधा शॉप पे पहुंच के। तो मामा के लिए गिफ्ट हंटिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं कपड़ों वाली शॉप पे आई थी, जाहिर है मुझे ड्रेसेस देखने थे। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था उसमें था कि ड्रेसेस आर प्रेफरेंस, अगर इसके अलावा कोई एक्सेसरीज मिल जाए तो वो वेल एंड गुड। तो ड्रेस हंटिंग करते करते मेरी नज़र पड़ी थी ब्लैक शॉल्स पे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने तो शॉल्स जो है वो डन करवा ली थी, शॉल्स ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था मामा को बहुत पसंद आएंगी। तो ये शॉल्स जो है वो अंकल पैक कर रहे हैं। तो शॉल मैंने इसलिए भी ली थी कि मामा ने कहा था नमाज पढ़ने के लिए उनको एक बड़ी सी शॉल चाहिए, उनको मिल नहीं रही थी, सिंपल प्लेन सी, तो यहाँ पे हमें मिल गई थी। तो एक मामा के लिए ले ली और एक मैंने अपने लिए ले ली। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी थी, तो यहाँ से फ्री होने के बाद मैं गई थी सीधा अपने लिए न्यू ग्लासेस लेने के लिए। A few moments later. तो काफी टाइम से मैं चाह रही थी कि अपनी ग्लासेस का फ्रेम चेंज करूं, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैंने सोचा अपने लिए ग्लासेस का फ्रेम चेंज कर ही लेती हूं। तो यहां पे काफी फ्रेम जो थे मैं ट्राई कर रही थी, और मुझे इस तरह से कोई प्लास्टिक का ही फ्रेम लेना था। और मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल ही रहा होगा मुझे कितनी डिफिकल्टी हो रही है अपना फ्रेम चूज करने में। A few moments later. ये वाला फ्रेम और सब बेहतर लग रहा है। तो काफ़ी सिलेक्शन के बाद मुझे एक फ्रेम पसंद आ गया था, तो मैंने वो अपने लिए ले लिया। फिर मैं आ गई थी वापस से मामा के लिए शॉपिंग करने के लिए। मैं यहाँ पे बैग्स देख रही थी, बैग्स काफ़ी अच्छे थे, पर इनकी क्वालिटी मुझे उस तरह से कोई अट्रैक्ट नहीं की थी। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्राइजेज इनकी क्वालिटी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। इन सब में मुझे ये वाला बैग जो था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बट इतना बैग मामा ने क्या करना है, क्योंकि माय मम्मा लाइक्स के सिंपल सा लाइट वेट बैग होना चाहिए। तो ये देखें, ये सारे अब फेस्टिव बैग्स हैं, लाइक एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह वाले बैग्स हैं। 5 minutes later. Meanwhile, इस जूते से मुझे पाँव में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए पम्प्स ले लेती हूँ, इजी होके मैं शॉपिंग करूंगी। और पम्प्स में मुझे ब्लैक कलर और ये स्किन कलर दोनों ही अच्छे लग रहे थे। गाइज, मामा के लिए अभी तक मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया सच, लेकिन अपने लिए एक शूज पसंद आ गया और फाइनली ये ब्लैक वाला मैंने डन कर लिया। जो सैंडल था ना वो थोड़ी सी इचिंग कर रहा था, तो शूज जो मैंने पहन लिया वो बहुत ज्यादा कॉम्फी है। A few moments later. और घर से मैं खाना नहीं खा कर आई थी, और शॉपिंग करते करते मेरे सर में दर्द होने लग गया था, और मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं फिर ही शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आ गई थी जी जलाल सन्स। तो जलाल सन्स पे नीचे तो सारा ग्रॉसरी एरिया है, शॉपिंग कर सकते हैं ग्रॉसरी की। और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे है उनका रेस्टोरेंट, कैफे टाइप है, स्मॉल कैफे। तो मैं चली गई थी वहाँ पे। Our meal is here. मैंने मंगवाया है चिकन टिक्का सैंडविचेस, साथ में है पिज्जा, एंड दीज आर द सॉसेस। सो इट्स अ मिनी ट्रीट टू माई सेल्फ, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज माई लेमनेड। तो बाकी का खाना मैंने पैक करवा लिया था, जितना मुझसे खाया गया उतना मैंने खा लिया। A few moments later.
अब शॉपिंग को कंटिन्यू करते हैं। मामा के लिए मैंने एक टी मग लेना है, कॉफ़ी तो मामा पीती नहीं है। ये ब्लैक वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी मग से। तो गाइस मामा के लिए ना मुझे ये मग पसंद आया है, ये देख लेते हैं, इट्स लुकिंग नाइस। बाकी भी अच्छी हैं बट आई लाइक दिस वन। इनमें से काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हुए हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा यूनिक सा है। पैक करना, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रॉकरी, मामा की मोस्ट फेवरेट जगह है यहाँ पे। बट यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, मामा के बगैर मैंने कभी कुछ लिया नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा होता है कि मामा को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ जी कॉस्मेटिक्स के सेक्शन पे, वहाँ पे जाकर देखती हूँ के लिए कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें देखते हैं। समझ ही नहीं आती मामा को क्या दे, हर चीज़ होती है। और इसके अलावा क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, मदर्स के लिए ना बहुत ज़्यादा चूज़ी होकर चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन चेक करने के चक्कर में ना मुझसे वो गिर गई। ये वाली शेड यही जाएगी, ये पैक करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ना एक फाउंडेशन अच्छा लगा था, वो मैंने ले लिया है, वो मुझे खुद भी चाहिए था इसलिए वो ले लिया। अब एंड देयर आर लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स बट जो मेरा टेस्ट होता है ना वो ये अरेबिक परफ्यूम्स में है, मुझे अरेबिक परफ्यूम्स बहुत पसंद है। चलें आगे चलते हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि कार्डिमम टी पीऊं, तो कार्डिमम टी पीने के बाद मैं चली गई थी निशात। पहले मैं अपने लिए कुछ देख लेती हूँ, मामा के लिए भी देख लेंगे बाद में। छोटी बच्ची हो क्या? अब इतने ढेर सारे ड्रेसेस में से मैं कैसे पसंद करूंगी, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये पिंक भी ठीक है, मम्मा के लिए लेना है तो वो थोड़ी सी मुझे भी हो रही है कि क्या लूँ, कुछ अच्छा होना चाहिए। Five minutes later. ये थ्री पीसेस आ रहे हैं? ये वाले थ्री हैं, ये टू। अच्छा। सेम टू। फाइनली गाइज मुझे कुछ तो पसंद आया, अब मैंने जो लिया है वो आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो मामा का जो गिफ्ट है वो तो मैंने ले लिया है। The next day. तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज है मदर्स डे, तो मैं आज बना रही हूँ जी चिकन बिरयानी, मामा के लिए बना रही हूँ। जाहिर सी बात है मदर्स डे है तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तो बनती है। मामा हर दफ़ा पुलाव बनाती है, मेरे ब्लॉग्स में देखते भी होंगे, बिरयानी नहीं मामा ने बनाई काफ़ी टाइम से, तो आज मैं खुद ही बना रही हूँ। तो मामा को भी खिलाएंगे, मामा को थोड़ा थोड़ा पैम्पर्ड फील करवाएंगे। कोरमा तैयार हो गया है ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट तक मजीद पकाना है, जब ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा दैट मीन आवर कोरमा इज़ रेडी। और ये रहे चावल जो मैंने बॉयल कर लिए हैं, अब जैसे ही कोरमा प्रिपेयर होगा तो तय लगाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे और हमारी बिरयानी तैयार। सो ये देखें ऑलमोस्ट 1 to 2 minutes मोर देन वी आर रेडी टू गो। सो अभी इस टाइम ना किचन में इतनी गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और बाहर भी बहुत गर्मी है, और लेकिन कोई बात नहीं, एफर्ट्स आर मोर वैल्यूएबल। जो अभी पुदीना भी आ गया है और यहाँ पे लग रही है जी तय लगा दिए मैंने, अभी इसको दम पे रखना है हमने लाइक 5 मिनट्स के लिए, तब पुदीना भी डाल देती हूँ। 5 मिनट्स लेटर मेरी स्पेशल बिरयानी।
तो गाइस गेस्ट कौन आया है आज? अबू, अस्सलाम वालेकुम। बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय। तो मामा जी आ गई हैं। मैं घर पधार गई है, मैं घर पधार गया। मुझे तो इतनी आती है अबू, कैफा हाल। ये ताल के मेरी बात सुन, ताल अभी ताल वो देख गाना है अभी, वो पूछ रहे इस्मा नाम, नाम नाम वो तो मुझे भी पता है। बोया तेरे अबू का नाम? अच्छा अबू का नाम। अदा कमरा फलूस वा के अरवा कमची ले मा भी कमची अशरी। तो अब्बू से ना गपशप करने का इतना मज़ा आता है हमेशा, बहुत फ़नी कन्वर्सेशन होती है। तो बातें करते करते हम लोगों ने सर्व कर लिया जी गोलगप्पे, गोलगप्पा पार्टी चल रही है। बिस्मा ने तो ओवरलोड ही कर लिया है। अब्बू ने हमें चटनी दे दी है। तो यहाँ पे बिस्मा हम दोनों के लिए गोलगप्पे की प्लेट रेडी कर रही है, और मीठी चटनी का तो क्या ही मज़ा आता है गोलगप्पों में। A few moments later. तो यहाँ पे खाना सर्व होने की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आज मदर्स डे था, तो मामा को सरप्राइज करने के लिए अबू भी आए थे, खाला भी आई थी, और छोटे मामू और बड़े मामू सब लोग आ गए थे, क्योंकि मेरी मामा जो है ना सबकी यूनिवर्सल मामा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग ना मदर्स डे विश करने आए थे। खाना खाने के बाद हम लोगों ने केक कट करना था, और ये वाला मदर्स डे का केक जो था ना 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि केक वॉज कस्टमाइज्ड तो इसको पहले प्री ऑर्डर करना ज़रूरी था। तो ये एक कह लो कि प्लेटर टाइप था, केक प्लेटर, एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मामा को ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। फूल किसको नहीं पसंद होते, एवरीवन लाइक्स। लड़कियों को खास तौर पे फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हम लोगों ने ना रोज पेटल्स मंगवाई थी। क्या गुलाब की खुशबू है यार, ये गेंदा, ये गेंदे का फूल, ओ गेंदे का फूल है ये, गेंदा, जस्ट गेंदा। बस मेरे यहां से पूरा होना चाहिए सर। हां ये क्या इधर गया, चलो पूरा कर दो, कर दो पूरा कर दो, ओके रख ले, छोटे वाले पे कर लो, नहीं तो नहीं स्पेस दे देंगे, कर लेंगे ना थोड़ा। और मामा के लिए बुके मामू लेकर आए थे, और ये केक दूसरे मामू लेके आए थे। सूरज भी आया है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सो दिस इज हाउ वी सरप्राइज्ड आवर मम्मा, और मम्मा के लिए हम लोगों ने गजरे भी स्पेशल मंगवाए थे, तो इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सबसे पहले बारी है जी गजरे देने की। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। तो नॉट ओनली जस्ट माई मदर, हमारी जो मामीज थी और हमारी खाला, दे आर ऑल्सो लाइक आर मदर। तो सब ने मिल के ही केक काटा, और सबको हैप्पी मदर्स डे। सूरज भी आया है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और जिनकी मदर्स उनके साथ नहीं है, आई जस्ट प्रे कि मे योर मदर्स बी रिवॉर्डेड इन पैराडाइज विद ऑल द लग्जरीज, एंड जिनकी मदर्स उनके साथ हैं, मे अल्लाह गिव योर मदर्स अ गुड हेल्थ। और लास्ट पे वी एंजॉयड टी। तो गाइज आई फॉरगॉट टू शो के हम लोग क्या लेकर आए थे, और ये ड्रेसेस हम सब बहन भाइयों की तरफ से मामा को गिफ्ट दिए थे हमने। हम सब ने अपनी जो ईदीज थी ना उनको कलेक्ट किया, और फिर जो हमारा बजट बना उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर लेकर आए थे मामा के लिए गिफ्ट। एंड दिस वॉज इट फॉर माई टूडेज व्लॉग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।